प्रीवियस क्लास वी हैव सीन रीजन ऑफ साइट एंड और क्या देख लिया हम लोग डेविएशन ऑफ रे. चलो हम देखते हैं आज डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अब इसको समझना है और आगे बढ़ना है. सोचो कि हमारे पास कोई एक मिरर है ऐसे. ये एक मिरर है. यहां से एक बीम ऑफ लाइट आके इसके ऊपर गिर रहा है और रिफ्लेक्ट करके इधर जा रहा है. मान लो कि यहां पे कोई एक स्क्रीन है तो यहां पे एक स्पॉट बन रहा है क्योंकि लाइट आ रहा है रिफ्लेक्ट करके जा रहा है तो यहां पे एक स्पॉट बन रहा है. मैं चाहता हूं कि ये जो स्पॉट है दैट विल मूव ऑन द स्क्रीन. ठीक है. ये स्पॉट को स्क्रीन के ऊपर मूव करवाने के लिए दो तरीके हैं. पहला तरीका हुआ जो रे हम ऐसे डाल देते. ऐसे डालने की बजाय अगर हम रे को कुछ ऐसे डाले तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे चले जाएगा और आप देखोगे कि आपका जो स्पॉट था वो इधर को मूव कर गया. सो यू से द रिफ्लेक्टेड रे इज डिफ्लेक्टेड. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. देखो इसमें जो इंसिडेंट रे था मान लो ये पोजीशन वन में था फिर हम पोजीशन टू में ले लिए तो जो रिफ्लेक्टेड रे था ये पोजीशन वन में था ये हो गया पोजीशन टू तो रिफ्लेक्टेड रे मूव कर गया. द स्पॉट इज मूविंग द रिफ्लेक्टेड रे इज डिफ्लेक्टेड. हमें निकालना है कितना एंगल वो देखेंगे. दूसरा तरीका हुआ कि सपोज हम ऐसा कहेंगे कि हमारे पास एक मिरर था और वही सेम अरेंजमेंट थे. द अरेंजमेंट वाज सेम लेकिन मैं क्या क्या इसमें अब इसमें इंस्टेड ऑफ मूविंग दी और जस्ट अ मिनट क्या कह रहा हूं कि हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है उसको मूव करवाने के लिए पहला केस में क्या किया हम लोग हम मूव किए इंसिडेंट रे को. दूसरा केस में मैं चाहता हूं कि नहीं इंसिडेंट रे को मूव नहीं करूंगा इसको फिक्स रखना है. अच्छा अगर थोड़ा सा मैं मिरर को टेढ़ा कर देता हूं तो मिरर पहले पोजीशन वन में था ये पोजीशन टू में आ गया. मिरर को टेढ़ा कर दिए क्या ये स्पॉट जहां था वही रहेगा? नहीं सर. पोजीशन बदलेगा? नहीं. रे ऐसे आ रहा था तो यहाँ पे गिर रहा था मिरर को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिए तो ये स्पॉट बदलेगा. क्या आप गेस करके बता सकते हो कि ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा इधर को जाएगा. कितना जाएगा अगर हम इसको थीटा मोड़ देते हैं ये कितना जाएगा? इसको अगर हम थीटा मोड़ देते हैं ये कितना जाएगा ये देखना है. लेकिन एक चीज हमें समझ में ये आ रहा है. रुक यार तू तो पढ़ाएगा फिर. अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम मिरर को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लिए मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिए तो स्पॉट कैसे मूव किया? देखो तो क्लॉकवाइज मूव किया. जबकि इंसिडेंट रे को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लिए क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज. ये ध्यान से देखना दोनों ही केस में रिफ्लेक्टेड रे का डिफ्लेक्शन हो तो रहा है लेकिन पहला केस में क्या हो रहा है? व्हेन यू आर मूविंग द इंसिडेंट रे कीपिंग द मिरर फिक्स्ड मूविंग द इंसिडेंट रे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दूसरा केस में कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड व्हेन आई एम मूविंग द मिरर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको क्लॉकवाइज मूव करवाया तो रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव है पता करना कि कितना मूव करेगा रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन इन द रिफ्लेक्टेड रेस पाथ. ठीक है शुरू करते हैं. नाउ इन ईच ऑफ दीज केसेस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन. पहला केस क्या था? कीपिंग द मिरर
इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. हम देखे ना अभी थोड़ी देर पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था. द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल. बस वही पता करना है क्या है. जब हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा, थोड़ी देर पहले देखो तो अभी दिखे थे, अभी इंसिडेंट रे को रोटेट किए क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज कितना, ठीक है वो पता करना है. चलो देखते हैं. सपोज हम कहेंगे ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है, और ये था पहला इंसिडेंट रे. अगर ये इंसिडेंट रे था तो फिर ये था रिफ्लेक्टेड रे, ये था. चलो हम इसको कहते हैं इंसिडेंट रे वन, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे वन, और ये तो मिरर है. अब इंसिडेंट रे को हम रोटेट करने वाले हैं कैसे, क्लॉकवाइज, कितना, बाय एंगल थीटा. तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा भाई, ये भी तो कुछ ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल तो जो था वही रह गया है कि नहीं. नॉर्मल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पोजीशन ऑफ द मिरर. मिरर को नॉर्मल है, मिरर में कोई चेंज नहीं किए, और जहां पर रे गिर रहा था अभी वहीं पे गिर रहा है, तो हम कहेंगे नॉर्मल जो था वही रहेगा. अब हम नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज, इंसिडेंट रे टू एंड दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे टू, ठीक है. मोरओवर अगर ये एंगल घूम गया है बाय एंगल थीटा, सोचो तो ऐसे कि मान लेते हैं कि शुरू शुरू में ये तो नॉर्मल है जस्ट ही, अब थोड़ा सा सोचोगे तो बता दोगे. सपोज इनिशियली इंसिडेंट एंगल था एक्स, क्या था एक्स, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या था एक्स, ये भी तो एक्स ही था. अच्छा अगर इसको हम थीटा मूव कर दिए, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया अब x माइनस थीटा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या हो जाएगा x माइनस थीटा. तो फिर अगर ये x माइनस थीटा है, ये पूरा x है, तो ये कितना आया थीटा ही आया. क्या मेरी बात समझ में आया. सो व्हेन द इंसिडेंट रे रोटेट्स क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल इक्वल टू थीटा. तो ये आपको याद रखना है. क्या ये बात सबको समझ में आया. यस यस यस. तो हमें समझ में ये आया कि इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन द क्लॉकवाइज सेंस, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, प्रोवाइडेड द मिरर इज फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंजिंग. क्या दूसरा तरीका था इंसिडेंट रे को बिना बदले रिफ्लेक्टेड रे को डिफ्लेक्ट करने का तरीका दूसरा क्या था, मिरर को रोटेट करेंगे. चलो देखते हैं मिरर को, यस यस, चलो देखते हैं मिरर को रोटेट करके कितना हो सकता है रिफ्लेक्शन. ये था पॉइंट नंबर वन.
पॉइंट नंबर टू, कीपिंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, पहले बताओ क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है? अगर इसको हम क्लॉकवाइज मूव करवाए तो ये स्पॉट भी तो ऐसे ही जा रहा था, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा था। मिरर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। हाँ, रोटेट्स कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज बाय एंगल कितना, चलो पता करते हैं कितना एंगल है। लेट अस गो फॉर द केस नाउ, हमारे पास एक मिरर था, ये है वो मिरर, है ना, मिरर का नाम था M1। अब क्या हुआ कि यहां पे कोई रे आ रहा था, द रे वाज लाइक दिस, मान लो कि कोई रे ऐसे आ रहा था, द रे वाज लाइक दिस। अब हुआ क्या, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके जा रहा था, दिस वाज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वाज द इंसिडेंट रे। चलो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये था रिफ्लेक्टेड रे और हमारा ये वाला रे था इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। चलो मानते हैं कि ये था हमारा नॉर्मल, तो क्या बात हो गया, बात ये हो गया कि जब हम मिरर को रोटेट नहीं किए थे तब हुआ यूं था कि हमारा जो इंसिडेंट रे था ये था IR1 और ये था RR1, ये था नॉर्मल वन, ये था मिरर वन। मिरर को रोटेट करेंगे, चलो मानते हैं कि ये एंगल पहले था x, तो ये एंगल कितना था, ये भी x ही था। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूं बाय एन एंगल से थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको थीटा रोटेट कर रहा हूं, ये हो गया मिरर टू का पोजीशन। क्या नॉर्मल जहां था वही रहेगा? नहीं, नॉर्मल विल चेंज इट पोजीशन। नहीं, नॉर्मल कैसे होगा, वो पहले इसके साथ ये ग्रीन वाले लाइन के साथ नॉर्मल था, अब येलो के साथ नॉर्मल होगा, मतलब जो नॉर्मल होगा वो कुछ इसके साथ नॉर्मल होके होगा कि नहीं होगा? क्या आप बता सकते हो ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू है, ये कितना घूमेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना घूम जाएगा, नॉर्मल वन कितना घूम जाएगा, कितना घूमेगा? अरे कहां का एक्समैन थीटा ही घूमेगा। सी, अगर हम कहेंगे ये हो गया मिरर, ये हो गया नॉर्मल, अगर मिरर को मैं थीटा रोटेट करता हूं तो नॉर्मल कितना रोटेट कर रहा है, थीटा ही तो रोटेट कर रहा है। मिरर को थीटा रोटेट किया तो नॉर्मल भी तो थीटा ही रोटेट किया, है कि नहीं, तो थीटा ही रोटेट करेगा। अच्छा, इंसिडेंट रे जो था वही रहा, इंसिडेंट रे को हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, क्या इंसिडेंट एंगल सेम रहा? इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, इंसिडेंट एंगल यस, नाउ इट इज एक्स प्लस थीटा। तो जो नया रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे टू, वो इसके साथ x प्लस थीटा एंगल करेगा नॉर्मल के साथ, करते हुए वो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे टू है वो ऐसा हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir.
इज इट अंडरस्टूड? तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे था, यहां पे चला गया, नहीं? अच्छा, क्या बता सकते हो? ये एंगल था थीटा, ये एंगल था एक्स, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस थीटा। ये एंगल था थीटा, ये एंगल था एक्स, तो ये एंगल कितना होगा? अरे पूरा एंगल एक्स है, ये एक्स माइनस थीटा। अच्छा, ये अगर एक्स माइनस थीटा हुआ, ये अगर एक्स प्लस थीटा हुआ, ये एंगल कितना होगा? x plus theta minus x plus theta minus x minus theta कितना हुआ? 2 theta. Yes, तो reflected ray 1 clockwise घूम गया, कितना एंगल? 2 theta. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, तो ये 2 theta घूम जाएगा, तो क्या बन गया हमारा statement? Statement ये बन गया, keeping incident ray fixed if mirror is rotated by an angle theta in clockwise direction, then the reflected ray rotates clockwise by an angle 2 theta. ये याद रखना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? सिंपल, ये मुट्ठी है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। दो चीज देखिए हम लोग, क्या देखे पहला वाले में? अगर मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा घुमाते हैं क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा। दूसरा केस में अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को घुमाते हैं थीटा क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कितना? डबल 2 थीटा। समझ में आया? याद रखिए और लिख लीजिए। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया, फटाफट आंसर देना। टाइम देंगे आपको 10 सेकंड का, 10 सेकंड का सिर्फ टाइम दिया जाएगा। अच्छा, मिरर को फिक्स रखते हुए अगर इंसिडेंट रे को हम 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, किस डायरेक्शन में? सपोज इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 5 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा? 10 डिग्री, क्योंकि मिरर को जितना घुमाएंगे उसका डबल घूमता है ना? अगर दोनों को जोड़ के देंगे तो सर, दोनों को जोड़ के, चलो देखते हैं। ये मिरर वाज रोटेटेड, हाँ क्वेश्चन है, एंटी क्लॉकवाइज। Mirror was rotated anti-clockwise by 4 degree. Find by what angle the incident ray excuse me should be rotated such that the reflected ray does not deflect. Sir, 8 degrees anti-clockwise. 8 degree anti-clockwise. Sir, 8 degrees anti-clockwise. सोचना है, अब पहले आप तैयार हो जाओ, ठीक से तैयार हो जाओ, फिर सोच के बताओ। Yes, sir. बोला रिफ्लेक्टेड रे को हम कितना घुमा देंगे, इंसिडेंट रे को कितना घुमा देंगे कि रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट डिफ्लेक्ट। सर, 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। सर, मेगा भी
हाँ बोलो सर, 8 डिग्री एंटी यस देखो तो यस 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 जब हम मिरर को रोटेट कर दिए 4 डिग्री कैसे क्लॉकवाइज तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे था वो रोटेट कर गया 8 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा उसको वापस लाना है मतलब रिफ्लेक्टेड रे हैज टू मूव 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इंसिडेंट रे को कितना मूव करना पड़ेगा? 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नो सोचो तुम लोग तो ध्यान से नहीं सोचते हो आंसर बोलने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो। 4 डिग्री देखो व्हेन मिरर रोटेट्स बाय 4 डिग्री क्लॉकवाइज द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स कितना 8 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको वापस लाना है मतलब द रिफ्लेक्टेड रे हैज टू मूव एंटी क्लॉकवाइज कितना 8 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाने के लिए इंसिडेंट रे को कैसे मूव करवाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज सर, सर आप क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज मिरर को रोटेट कर। अच्छा मिरर को एंटी क्लॉकवाइज दिए 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिए ठीक है। अगर ये 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो मिरर को कितना घुमाना होता है? ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रिफ्लेक्ट कर जाएगा? ये भी तो 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड रे को वापस लाना है कितना 8 डिग्री क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका है। अब रिफ्लेक्टेड रे को 8 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में आएगा। रिफ्लेक्टेड रे को 8 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इंसिडेंट रे को कैसे करना पड़ेगा? 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? सो क्योंकि अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को हम जैसे मूव करते हैं रिफ्लेक्टेड रे उसका उल्टा मूव करता है कि नहीं? अभी रिफ्लेक्टेड रे को क्या मूव करवाना है? 8 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाना है क्योंकि ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर गया है। कितना डिफ्लेक्ट कर गया? 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब रिफ्लेक्टेड रे को वापस लाना अपनी जगह तो कितना घुमाना होगा? 8 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना होगा। रिफ्लेक्टेड रे को 8 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है वो भी कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को क्या करना पड़ेगा? 8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना पड़ेगा। सो टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे the incident ray must be moved 8 degree in anticlockwise direction। क्या ये बात सबको समझ में आया? Is it understood? सोच लो, बिना समझे हाँ जी करना गुनाह। Could you follow this? Yes, sir. Yes, yes. सर आपसे सही था आप नहीं बोल रहे थे। चलिए अभी हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बताओ? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स क्या है? देखो मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन
in combination of two mirrors, दो मिरर में, ठीक है? क्या है? सपोज आपको दो टू मिरर दिया गया है, चलो मानते हैं कि ये एक मिरर है, ठीक है? और ये मिरर का साथ दूसरा कोई एक मिरर है जो कि ऐसा, दिस टू मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है? समझ लो ये दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, तो ये मिरर में इसका इमेज बनेगा तो कहां बनेगा? यहां बनेगा, क्योंकि ये जितना दूर पे है उतने दूर पे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहला इमेज हुआ, ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर में भी एक इमेज बनने वाला है जो कि यहां पे बनेगा। इमेज बन रहा है मतलब क्या हो रहा है? रेज आर रिफ्लेक्टिंग, यहां से रेज से रिफ्लेक्टिंग करके जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट करके जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे फिर इसके ऊपर गिरेंगे। कहने का मतलब हुआ कि ये जो इमेज आपका बन गया है, ये जो इमेज, इस इमेज का भी एक इमेज बनने वाला है, किसमें? इस मिरर में। कहां पे बनेगा इसका इमेज? यहां पे बनेगा, इमेज का इमेज, समझ में आ रहा? ये जो इमेज बना उसका फिर इस मिरर में एक इमेज बनेगा, कहां बनेगा? यहां पे बनेगा, इसके ऊपर कोइंसाइड करके इसका इमेज बनेगा तो कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा, है ना? तो दैट वे यू सी, अब किसका भी इमेज निकालो और एक्स्ट्रा इमेज बन नहीं सकता। समझ में आया क्या? तो पहले में क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इसमें एक इमेज निकाला, फिर इस इमेज का इस मिरर में एक इमेज निकाला। पहले निकाला मैं इमेज नंबर वन, फिर निकाला मैं इमेज नंबर टू, फिर इमेज नंबर टू किसमें हुआ? ये मिरर वन में ओ का इमेज आई वन हुआ, आई वन का इमेज मिरर टू में बन गया आई टू, आई टू का इमेज मिरर वन में बन गया आई थ्री, आई थ्री का इमेज जब बनेगा वो तो ओ के साथ मर्ज कर जाएगा, फिर उसका फिर बनेगा तो फिर तो यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा इमेज, इतने ही बनने वाले हैं। तो कितना नो इमेज बना? चार नहीं, एक तो ऑब्जेक्ट था, तीन इमेज बना। तो 90 डिग्री एंगल है, देयर विल बी थ्री इमेजेस। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो क्या करते? चलो समझते हैं। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो क्या होता? चलो मानते हैं कि ये कोई है मिरर, ठीक है, ये है दूसरा मिरर, ठीक है, और चलो मानते हैं कि यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का कितने टू इमेज बनेंगे आपको पूछा गया। यू कैन टेक दिस एज योर प्रोजेक्ट वर्क। क्या करना है? आप पहले दोनों मिरर को बढ़िया से बनाओ, ये तो पहला मिरर था ऐसा, थोड़ा डॉटेड एक्सटेंशन कर लो, और ये था दूसरा मिरर ऐसा। तो क्या करोगे? यूजिंग ए स्केल किसी एक मिरर में इमेज निकालो। इसका इमेज कहां मिलेगा? यहां पर कहीं मिलेगा, मिलेगा ना? Yes, ये इमेज कौन सा मिरर में है? मिरर वन में कि मिरर टू में? ये ऑब्जेक्ट है मिरर वन में, जो बना मिरर वन में उसका इमेज निकालो मिरर टू में। मिरर टू में मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो मिरर टू में कहां बनेगा? यहां पर कहीं बनेगा, बनेगा ना? सो ये कुछ यहां पे बन गया मिरर टू में इमेज। जो मिरर टू में इमेज बना, ये किस, ये जो इमेज है ये कौन सा मिरर में बना है? मिरर टू में। इसका फिर मिरर वन में बनाओ, कहां बनेगा? यहां पर कहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ये जो इमेज बना है किसका इमेज है? किसका इमेज है? कौन सा मिरर में? मिरर वन में। कैसे बनाएंगे? ये डिस्टेंस नाप लेंगे, ये डिस्टेंस नाप लेंगे, बैठा देंगे, है कि नहीं? फिर इसका इमेज निकालो, फिर इसमें, इसमें निकालो तो कहीं यहां पे आएगा, इसका इमेज निकालो तो फिर निकालो किसमें? कुछ यहां पे निकालो। क्या? इसका इमेज इस मिरर में यहां पे निकालो, फिर इसका मिरर इमेज इस मिरर में किसी दूसरे जगह निकालो। ये थोड़ा डाल में गड़बड़ हो गया, ये
अब इसका इमेज जब हम इस मिरर में निकालेंगे वो आके यहाँ पे मिलेगा, तो बस तो फिक्स हो गया, इससे ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकता। तो कितना का इमेज बना? 5। तो आपको लग रहा होगा कि सर अगर दो मिरर के बीच में कुछ भी एंगल दे दिया ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है। ज्योमेट्रिकली आप नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो। क्या क्या करना है? किसी एक मिरर में इमेज निकालो, उस इमेज का दूसरा मिरर में इमेज निकालो, उस मिरर का पहला मिरर में इमेज निकालो, उस इमेज का दूसरा मिरर में इमेज निकालो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब वो आके ऑब्जेक्ट के साथ मैच ना कर जाए। अब एक बार ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर गया तो रुक जाओ, काम खत्म, फिर गिनती करो कितना इमेज बना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का किसी भी एक मिरर में, दोनों में से किसी भी एक मिरर में इमेज बनाओ, उस इमेज का दूसरा मिरर में इमेज बनाओ, उसका फिर पहला मिरर में इमेज बनाओ। ऐसे करते 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 आप देखोगे एक समय आएगा जब इमेज आके ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर जाएगा। जब मैच कर गया प्रोसेस स्टॉप्स, देन यू काउंट हाउ मेनी इमेजेस आर देयर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे करके हम लोग ज्योमेट्रिकली नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं, जो कि बड़ी डिफिकल्ट चीज है, बड़ा डिफिकल्ट चीज है। तो फिर मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, लेट कुछ स्टेप में निकल जाएगा, विल फॉलो सम स्टेप्स टू फाइंड आउट द आंसर। स्टेप वन, लेट एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा, फाइंड एम, एम क्या है? 360 बाय थीटा। अब ये जो 360 बाय थीटा हुआ, कोई जरूरी नहीं कि एक होल नंबर होगा, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मान लो थीटा है 13 डिग्री, तो फ्रैक्शन हो ही जाएगा, 5360 बाय थीटा। स्टेप टू, फाइंड एन, क्या है ये? इसको कहते हैं लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। क्या मतलब है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन? क्या मतलब है इसका लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब? मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे m का वैल्यू 3.1 है, तो 3.1 है तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट होल नंबर, नेक्स्ट होल नंबर को लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं। अगर हम कहेंगे m का वैल्यू है 2.7, क्या आप बता सकते हैं कितना है? 3। अगर हम कहेंगे m इज इक्वल टू 5, तो n कितना है? ये खुद ही होल नंबर है, इसको 5 ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या? n विल बी इक्वल टू m इफ m इज ए होल नंबर, और इट विल बी द नेक्स्ट इंटीजर, n का वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट इंटीजर। क्या सबको ये चीज समझ में आया? Yes, sir. अच्छा बताओ, अगर m का वैल्यू 6.7 आया तो n कितना लेना चाहिए? 7। और अगर n का वैल्यू ओनली 6 आया तो 6। n का वैल्यू 6। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? बढ़िया बढ़िया, ये अगर समझ में आ गया, थोड़ा बगल में रखते इसको, हाँ n मिल गया, देन स्टेप 3 में काम बन गया हमारा। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू एन, कब एन कब होगा? इफ एन इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट इज symmetrically is not on
if an is or an object is not on angle bisector. And it is equal to m minus 1. Otherwise, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर दोनों कामयाब रहेंगे तो काम बन गया, लेकिन मैं समझाने में थोड़ा सा चूक गया और आप समझने में थोड़ा सा चूक गए तो फिर तो मकसद गड़बड़ हो जाएगा। You have understood what is this M and N business? अभी दो मिरर हमारे सामने हैं। पहला मिरर है ये वाला, दूसरा मिरर है ये वाला, इनके बीच में एंगल थीटा। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट तो दोनों के मिरर के बीच में है, कहीं भी हो सकता है। कहां है ऑब्जेक्ट? सपोज हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, नाम है ए। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, नाम है बी। बुक में ये वाला पार्ट को कवर नहीं किया जाता, दो मिरर के बीच में तो आंसर एक ही निकलता है। जबकि यहां पर एंगल बराबर रहने के बावजूद अलग अलग इमेजेस हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अब देखो ये दोनों मिरर में ए का भी इमेजेस बन रहा है, बी का भी इमेजेस बन रहा है। ए का कितना इमेज बनेगा, बी का कितना इमेज बनेगा? करना क्या है, पहले निकालो एम, ये तो समझ में आया। फिर निकालो एन, क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। मतलब अगर एम होल नंबर है तो एन इज इक्वल टू एम, एम अगर होल नंबर नहीं है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर है एन। फिर देखो एन का जो वैल्यू मिला वो ऑड मिला कि इवन मिला? अगर एन का जो वैल्यू मिला वो ऑड मिला, और जो ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्टर पे नहीं है, कौन है ए और बी, कौन बाइसेक्टर पे नहीं है, बी। ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पे नहीं है और उसके साथ साथ एन भी ऑड है, एन ऑड है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, एन ऑड होगा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी एन। समझ में आया क्या? अगर उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई किया या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस इज एन माइनस वन। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आया? चलिए अब ये स्टेटमेंट को लेते हैं और देखते हैं कितना समझ में आया। ये स्टेटमेंट को मैं लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये स्टेटमेंट को मैं लेता हूं और करने की कोशिश करता हूं। यस, ये जो चीज है इसको रखते हैं क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, है ना? चलो इसको रखते हैं और कोशिश करते हैं अप्लाई करने का। Just for sake of example, if दे दिया यहां पर कोई एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है और यहां पर बाइसेक्टर है और ये एंगल दिया है थीटा है और यहां पे है ए और यहां पे है बी। जानना चाहते हैं कि ए का इमेज कितना होगा, बी का इमेज कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। If थीटा इज से 40 डिग्री, जस्ट मिनट, लेट अस मेक इट थीटा इज 60 डिग्री, क्या आप मुझे एम बता सकते हो? यस सर, 360 बाय 60 ये 6। क्या आप मुझे एन बता सकते हो? 6। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आ गया। नाउ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए, ए का कितना इमेज होगा? क्या ए
बाइसेक्टर पे है। yes, sir, हाँ, अगर बाइसेक्टर पे नहीं होता एन और होता तो एन होता, अब क्या होगा एन माइनस वन, इट विल बी सिक्स माइनस वन इज फाइव। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी, अब बी बाइसेक्टर पे है नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है एन बनाने के लिए, क्या होना चाहिए एन का वैल्यू और होना चाहिए, एन और है क्या नहीं, ये तो इवन है, तो इसका भी कितना होगा माइनस वन। क्या मेरी बात सबको समझ में आया, कुड यू फॉलो इट? और एक बार समझाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब मैं समझाता हूं आप लोग माइंड दूसरी जगह लगाते हो नोट करने में, दोबारा बताते हैं। थीटा है 60 डिग्री, एन का वैल्यू हुआ 360/66, और है कि इवन है, इवन है। अगर एन का वैल्यू और होगा और ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा ए, एन सेम एज एन, ए बताओ ये तो बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा एन माइनस वन। बी ये बाइसेक्टर पे नहीं है लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ एन को भी ऑड होना था, अगर एन ऑड होता तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाते माइनस हो जाते सिक्स। समझ में आया क्या? लेकिन अभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने के कारण ये बन गया 6-1=5। क्या आपको समझ में आया? पहले बताओ इज इट अंडरस्टूड? थोड़ा लॉजिकल है लेकिन क्या करें भाई, आप लोग भी तो पढ़ने के लिए आए हो, कुछ तो मेहनत करोगे नहीं तो कैसे होगा। मैं आप केस बदल देता हूं, नाउ यू थिंक एंड टेल मी कि क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस अगर, क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस अगर एन का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री, थिंक थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री, आप रुको निकालते हैं, लेट अनदर ट्राई, थीटा 40 डिग्री हुआ तो क्या बता सकते हो एम का वैल्यू क्या होगा 360/40 हो गया नाइन, एन का वैल्यू क्या होगा 9 हो गया, तो तुरंत चौकन्ना हो जाओ ये और है, एन का ए का इमेज कितना होगा, क्या एन बाइसेक्टर पे नहीं है, बाइसेक्टर पे है तो हो जाएगा एन माइनस वन दैट इज 8। बी का इमेज कितना होगा, यस बी बाइसेक्टर में भी नहीं है और एन और भी है तो ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दीजिए करके, अगला क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं, आप ये कर लो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन को देता हूं आपको करने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पास करते हैं। ये मिरर वन है, ये मिरर टू है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए एंड बी इफ बिट नंबर वन थीटा इज 40 डिग्री, थीटा इज 42 डिग्री, थीटा इज 38 डिग्री। हाँ बड़ा खूंखार क्वेश्चन है सर, आप जब खुद करते हैं इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं
हमको देते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, नहीं? चलिए तो ट्राई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा तो लिखने में आपको आसान होगा। चलिए एक फॉर्मेट देते हैं यहाँ पे, क्या पहले लिखेंगे थीटा, फिर लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे और इवन, फिर उसके बाद हो गया लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी। मैं टेबुलर फॉर्म में ले आया, आपको करने में आसान लगेगा। आई एम गेटिंग इट इन ए टेबुलर फॉर्म। बस बताना है आपको कितना इमेज बनेंगे ए और बी का, वैल्यू तो दिया हुआ है, वैल्यू तो दिया हुआ है। चलिए मैं लेता हूं थीटा का वैल्यू कितना, पहला केस में थीटा का, हाँ थीटा का वैल्यू कितना ले गए हम लोग फर्स्ट केस में 40 डिग्री, ये तो हम लोग कर लिए थे, वी हैव डन इट ऑलरेडी। थीटा था 40 डिग्री, दूसरा केस में 42 डिग्री, तीसरा केस में 41 डिग्री। क्या आप ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हो और ए और बी का नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हो? करो। चलिए आप लोग कर चुके हो। When theta is 40 degree, m कितना होगा? 9. 360 by 40. Sir, 8. It will be 360 by 40 होता है 9. तो n का वैल्यू क्या होगा? 9. Number of images of a? 8. Number of images of b? 9. एन और है ये, हाँ देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा। जब ये 42 डिग्री होगा तो ये 9 होगा कि 9 से थोड़ा सा ज्यादा होगा कि कम होगा? थोड़ा सा कम होगा, एक और समथिंग। तो एन क्या हो गया? फिर से नहीं, तो फिर बाकी की चीजें जो थे वही रहेंगी। जब ये मैं 41 डिग्री दिया था क्या, 38 डिग्री, सॉरी लास्ट वाले में गलत दिया हूँ, लास्ट वाला था 38 डिग्री। अब बताओ एन का वैल्यू 9 होगा कि उससे ज्यादा होगा? 9 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 10 9 पॉइंट, हां तो समथिंग 10 निकालने की जरूरत नहीं सर, 9 एंड 10। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 10 सर, अरे फिर से 9, अरे ये और नहीं है, ये सर यस यस। क्या हो गया देखो, तो क्योंकि ये इवन है नहीं, तो n minus 1 होगा क्या? नहीं होगा, हाँ n होगा क्या? n नहीं होगा, n minus 1 ही होगा। क्या सबका आंसर सही था? Yes sir. What? ठीक है, अब अगला 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि बताओ अगर थीटा है, अगर थीटा है क्या 35 डिग्री, थीटा है 35 डिग्री, बाकी के चीज आपको भरना है, बताओ फटाफट। थीटा है 35 डिग्री तो पहले एम निकालो, एम होता है 360 by 35, that is 10 upon 8, 10 by 35, मतलब इट इज 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 11। एन ए 10, एन ए इज एन माइनस 1 10, और ये एन बी 11, क्योंकि ये और है और वो बाइसेक्टर पे नहीं है, तो 11। समझ में आ रहा है? यस सो कैलकुलेटिंग दो चीज हम लोग देखे आज, एक हुआ डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा हुआ क्या द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, यस नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स। कल की क्लास में आगे की बढ़ेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।